क्या महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अहमदनगर में पिछले एक महीने में 8,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि जब पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चों का संक्रमित होना बड़े सवाल खड़े करता है। जिले के डीएम ने भी इसे गंभीर विषय कहा है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का कोविड केयर सेंटर है। इस सेंटर में कोरोना संक्रमित बच्चों और उनके माता पिता को रखा गया है। इस सेंटर में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का होना हैरान करता है। दरअसल देश में अहमदनगर उन जिलों में शामिल हो गया है जहां बच्चों को बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण हो रहा है। खास बात यह है कि देश में तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका भी जताई गई है। इस वजह से अहमदनगर में अभी से इतने बच्चों के संक्रमित होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने अगस्त से सितंबर तक तीसरी लहर के आने की आशंका जताई थी। अगर अहमदनगर की बात करें तो यहां मई महीने में 8,881 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अहमदनगर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों में 11% बच्चे हैं। मई में अहमदनगर में कुल 77,929 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके लिए हमने जो एनालिसिस इसलिए किया था कि जो है कि ये टोटल एनालिसिस करने में, यानी कि ये मंथ का एनालिसिस नहीं होना चाहिए, ये टोटली वीकली क्या है टोटल उसका जो एनालिसिस करने का है। तो एक फैमिली में ये जो स्ट्रेंथ था, एक फैमिली में टोटल फैमिली अफेक्शन ज़्यादा था, इसलिए ये एनालिसिस हमने किया है। बच्चों में बढ़ते संक्रमण के दर को देखते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी ने बच्चों के इलाज के लिए स्वतंत्र बोर्ड बनाने की सूचना भी अधिकारियों को दी है। डीएम राजेंद्र भोसले के मुताबिक 8,000 से ज्यादा बच्चों का एक ही महीने में कोरोना संक्रमित होना चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि बच्चों को कोरोना का टीका भी नहीं लग सकता। ऐसे में इन्हें संक्रमण से बचाने के लिए कड़े कदम उठाने ही होंगे। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक एक साल से नीचे आयु वर्ग के 85 बच्चे, 2 से 12 साल आयु वर्ग के 2,694 बच्चे और 12 से 18 आयु वर्ग के 6,102 बच्चे संक्रमित हुए हैं। यहाँ के स्थानीय प्रशासन और नेताओं के मुताबिक दूसरी वेव के दौरान जिस तरह बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी थी, वैसा तीसरी लहर में ना हो इसके लिए वो तैयारियों में जुट गए हैं। पेडियाट्रिक वार्ड बनाने का हमने प्रोविजन किया है। फिर हमने यहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो टास्क फोर्स है उसमें उसका एक हमने मीटिंग लिया है और उसमें जो भी मेडिसिन इसके लिए उसके लिए प्रावधान करने की हमने तैयारी की है। राज्य सरकार जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में संभावित तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए तैयारी के लिए लगभग 2 महीने का समय लेकर चल रही थी, लेकिन जिस तरह से अहमदनगर में बच्चों को संक्रमण हुआ उसे देखते हुए शायद इस काम में और तेजी दिखानी पड़ी। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदनगर के डीएम राजेंद्र भोसले जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का संक्रमित होना अहमदनगर में, 8,881 पिछले एक महीने में, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और बेहद चिंताजनक भी है। क्या खास वजह कि ये बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, या जो ये कहा जा रहा था कि तीसरी लहर जब आएगी तो बच्चों को संक्रमित करेगी, ये दूसरी लहर में ही इतने बच्चों का संक्रमित होना? अहमदनगर जिले में टोटल के मंथ में जो है टोटल 86,000 पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसमें से जो है कि डेथ की जो है डेथ का एनालिसिस चल रहा है, लेकिन डेथ्स ज़्यादा नहीं हुए है, लेकिन कोविड का अफेक्शन उनको ज़्यादा है क्योंकि ये मई महीने से पहले अप्रैल में जो शादियाँ थी उसमें ये सब बिलो 18 ईयर्स का क्राउड ज़्यादा था। फिर खेल में जो लॉकडाउन था उसमें खेल रहे थे बच्चे और उनका मोमेंट चालू था, इसकी वजह से उनका पॉजिटिविटी का केस जो है 11% आया है। और इसके लिए हमने टास्क फोर्स जो है अहमदनगर ज़िले में हमने टास्क फोर्स अपॉइंट किया है, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, वो हिसाब से हम पेडियाट्रिक वार्ड जो है सिविल हॉस्पिटल में कर रहे हैं। 100 बेड का पेडियाट्रिक वार्ड हम कर रहे हैं, उसमें से 15 बेड्स ICU के लिए रख रहे हैं और
हाँ राजेंद्र जी, आप ये जो आंकड़ा दे रहे हैं ये तो बेहद बहुत बड़ा आंकड़ा है। 9000 के करीब आप केसेस बता रहे हैं बच्चों के, इसमें एक साल से छोटी उम्र के बच्चे भी पीड़ित हैं। आप टास्क फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, अस्पताल में 100 बेड की बात कर रहे हैं, लेकिन 9000 और 100, ये तो बहुत बड़ा अंतर है तैयारी में। उसमें से जो है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो बिलो 18 ईयर्स के है, उसमें से ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है 120 को ऑक्सीजन तक गए थे, लेकिन वो भी माइल्डर थे और डेथ कुछ नहीं हुआ है। मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के चलते लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई हैं। हालांकि महाराष्ट्र में बाकी इलाकों में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई में बीएमसी ने दुकानें और व्यापार को खोलने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही नए नियमों को लेकर थोड़ी दुविधा में भी हैं। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। ये तस्वीरें मुंबई के विले पार्ले के इरला मार्केट की हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानें बंद। ये इसलिए क्योंकि बीएमसी ने जो नए दिशा निर्देश दिए हैं उनके हिसाब से एक साथ इलाके की सारी दुकानें नहीं खोली जा सकती। भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए बीएमसी ने कई शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत दी है। मकसद है कोरोना का संक्रमण न फैले और इसकी चेन को तोड़ा जा सके। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन की प्रक्रिया शुरू की है, यानी आंशिक तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत अन्य दुकानों को भी अब खोलने की इजाजत दी जा रही है। इसके पहले सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलती थी, अब इसमें बदलाव किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें 7 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली रहेंगी और मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। अब ये ब्रेक द चेन क्या है ये लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जो नया नियम आया है उसके मुताबिक सड़क के दाईं ओर और सड़क के बाईं ओर का नियम लोगों को फॉलो करना है। नियम क्या कहता है, सड़क के बाईं ओर की जो दुकानें हैं वो सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी और दाईं ओर की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। और अगले हफ्ते, एक हफ्ता पूरा होने के बाद दूसरे हफ्ते में ये उल्टा हो जाएगा। सड़क के दाईं ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि बाईं ओर की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद केस कम होते ही ब्रेक द चेन मुहिम के तहत बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है। बीएमसी की नई गाइडलाइन के मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले सिर्फ 11 बजे तक इजाजत थी। बीएमसी ने इसके अलावा शर्तों के साथ दूसरी दुकानें खोलने को भी हरी झंडी दी है। शर्तों के मुताबिक रास्ते के दाहिने की तरफ दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुल सकेंगी, जबकि बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुली रखी जा सकेंगी। इसी तरह दूसरे हफ्ते में बाईं तरफ की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाएं छोड़कर दूसरी दुकानें बंद रखने के लिए कहा गया है। हालांकि इस दौरान ई कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी की सुविधाएं जारी रहेंगी। बीएमसी ने व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सरकार की तरफ से दी गई सूचनाओं का पालन करने के लिए भी कहा है। हालांकि नए नियमों को लेकर दुकानदारों में असमंजस बना हुआ है। किराना की दुकान हो, मेडिकल की दुकान हो, यही शनिवार और रविवार को खुली रहेंगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। तो आप देखिए, बहुत सारे जो दुकान मालिक हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि उनके एसोसिएशन की तरफ से क्या जानकारी आई है, बीएमसी की तरफ से क्या जानकारी आई है। एक लगभग 45 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से ब्रेक द चेन शुरू किया गया है, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? अभी ये फैसला काफी हद तक क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि मंडे, वेनसडे और फ्राइडे राइट साइड की दुकानें खुलेगी और अदर ट्यूजडे और थर्सडे वो लेफ्ट साइड की। सो वो राइट लेफ्ट का डिफरेंस अभी तक क्लियर नहीं है कि विच साइड इज राइट, विच साइड इज लेफ्ट। सो हम गवर्नमेंट से ये बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ये चीज भी क्लियर कर दे। 45 दिनों बाद दुकानें अब खुल रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के सामने? आपके कारीगर शायद कर्मचारी नहीं होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा दाएं बाएं का, क्या दिक्कतें आ रही है? सर स्टाफ तो है नहीं। हाँ, स्टाफ का काफी दिक्कत है जी, और बिकॉज ऑफ काम नहीं हुआ है तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि भाई क्या खुले क्या नहीं खुले, और जो बेसिकली टाइमिंग दिया हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे काफी दिक्कत है। सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में सवाल हैं वो बीएमसी या सरकार द्वारा स्पष्ट होना चाहिए कि नियम क्या कहता है, आसानी से उसका पालन किया जा सके। जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूँ, ये मेरे
बाईं तरफ का हिस्सा है, ये मेरे दाईं तरफ का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही मैं 180 डिग्री घूमता हूँ ये जो दिशा है वो बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है कि किस तरफ की दुकान सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, कौन सी दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी, लेकिन लोग स्वागत भी कर रहे हैं कि कम से कम सरकार ने इस बारे में सोचा कि केस कम होते ही अब दुकानों को खोलने का फैसला लिया है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से रोजाना 1000 से कम मामले आने पर प्रशासन को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि शहर में अभी 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही से हालात फिर बिगड़ सकते हैं, इसलिए कोरोना की गाइडलाइंस का पालन जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शर्तों के साथ अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रयागराज और उन्नाव में बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों की भीड़ ज्यादा नहीं रही। हालांकि महीने भर बाद दुकानें खोलने वाले दुकानदार थोड़े निराश दिखे। हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट यूपी से तैयार की है, वो आप देखिए। ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। संगम नगरी में भी आज से कोरोना कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। करीब एक महीने बाद दिन का कर्फ्यू हटने से सड़कें और बाजार पहले से थोड़े गुलजार नजर आए, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों तक पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद व्यापारियों को उम्मीद है कि धीरे धीरे उनका कारोबार पटरी पर आएगा और उनकी आर्थिक दिक्कतें दूर होंगी। एक महीने के कर्फ्यू में प्रयागराज में तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का ये भी मानना है कि ग्राहकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। संगम नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल हो गया है जहां आज से कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। ये छूट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटे के लिए दी गई है। हालांकि एक महीने के बाद आज जब छूट मिली है तो सड़कों और बाजारों की तस्वीरें एकदम बदली हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोगों के खूब आवाजाही है। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक महीने के बाद घर से कदम रखा है। दुकानें खुल गई हैं, बाजार गुलजार हो गए हैं। हालांकि बात करें दुकानों की आज एक महीने के बाद, लेकिन उनमें ग्राहक अभी ज्यादा नहीं है, इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं। आज से हम लोगों ने सारे व्यापारियों को निर्देशित किया है कि विदाउट मास्क, अगर मास्क नहीं तो सामान नहीं। धीरे धीरे सारा जिस तरीके से लास्ट लॉकडाउन के बाद 15-20 दिन में गाड़ी पटरी पे आई थी, इस बार भी आएगी और हम लोग पूरे एहतियात लेके चलेंगे क्योंकि इस बार थोड़ा सा हानि ज़्यादा हुई। ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं। यूपी के जिन जिलों में आज से अनलॉकिंग शुरू हुई है उनमें उन्नाव भी है। यहाँ दही चौकी कस्बे के बाजार साफ सफाई के बाद एक महीने बाद खुले हैं, ग्राहक भी आना शुरू हो गए हैं। इतने दिनों से मुसीबत झेल रहे दुकानदार अब खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब सब ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण के कुल मामले 600 से कम हैं, उनमें आज से अनलॉक शुरू कर दिया गया है। व्यवस्था के साथ में, पाबंदियों के साथ में दुकानों को खोलने का वक्त तय किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक व्यापार सुचारू होगा। उन्नाव भी एक ऐसा जिला है जहाँ से आज अनलॉक शुरू किया गया है और मैं दही चौकी क्षेत्र में हूं जहां आप देख सकते हैं कि मार्केट खुली है। कपड़े की मार्केट हो, मोबाइल की मार्केट हो, हार्डवेयर की दुकानें हो, ये सब कुछ आज यहां खुल गया है। दुकानदार इससे बेहद खुश हैं क्योंकि 2 मई से यहां लॉकडाउन लगाया गया था और 2 मई के बाद आज लगभग एक महीना हो रहा है और ऐसे में इनकी दुकानें बंद थी। रोजी रोटी का संकट आया था। कुछ दुकानदार हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर आकाश। आकाश भाई, कब से दुकान बंद थी? 2 मई से। ये जूते चप्पल की दुकान आप ही की है? जी मेरी है। तो एक महीने तक कैसे गुजारा हुआ, दिक्कत नहीं हुई? महीने क्या सर, दिक्कत तो बहुत झेलनी पड़ी सर। इससे क्या होता है कि हमारा लोगों का इसी यही कमाई का जरिया है, रोज कमाना, यही खाना, यही सब होता है। आज आना शुरू हुआ सुबह से आज? हाँ, थोड़ा बहुत तो हाँ हुए। हाँ, आ रहे थोड़ा बहुत। उम्मीद है कि मतलब व्यापार बढ़ेगा? व्यापार बढ़ेगा, अब जिस हिसाब से खुला है थोड़ा बहुत तो व्यापार बढ़ेगा। ये तस्वीरें लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम की हैं। यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह सुबह भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया गया। सीएम योगी यहाँ सुबह खुद जायजा लेने आए थे। उनके जाने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। खास बात यह है कि लखनऊ में अभी अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन अगर लोग इसी तरह कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो अनलॉक करना आसान नहीं होगा। बड़ी खबर में आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी के मामले को लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक के सरकारी वकील को जानकारी मुहैया कराने के लिए ईडी और सीबीआई समेत भारतीय अधिकारियों की टीम डोमिनिका पहुंच गई है। कल सुबह होनी है सुनवाई।
तो ईडी और सीबीआई के अधिकारियों की टीम डोमिनिका पहुंची। वहां का जो सरकारी वकील है उसको जानकारी मुहैया कराई जा रही है कि पीएनबी घोटाले में किस तरीके से भारत का पैसा लेकर फरार हुआ, मेहुल चौकसी किस तरीके की जालसाजी की गई। कल सुबह सुनवाई होनी है। तो पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर यही है कि डोमिनिका पहुंची ईडी और सीबीआई की भारतीय अधिकारियों की टीम, डोमिनिका के सरकारी वकील को मुहैया कराई जाएगी जानकारी। तो पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी से लेकर यह बड़ी जानकारी, डोमिनिका पहुंच चुकी है ईडी और सीबीआई के अधिकारियों की टीम, जो सरकारी वकील है डोमिनिका के उनको पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी, सभी दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, सीबीआई और ईडी की टीम पहुंच गई है, शिकंजा कसता जा रहा है, अब उल्टी गिनती शुरू मेहुल चौकसी की भारत आने में। देखिए, कल डोमिनिका की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है और अभी तक जो प्राप्त जानकारी के मुताबिक मेहुल चौकसी ने खुद को कोविड पेशेंट भी बताया है और इसके चलते वो उसको एक अलग कमरे में रख दिया गया है। लेकिन कल डोमिनिका की कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है और डोमिनिका के सरकारी वकील को इस बारे में सभी जानकारियां मुहैया कराने के लिए टीम वहां पहुंच चुकी है। टीम अपने साथ वो तमाम दस्तावेज ले गई है जिनके आधार पर चौकसी पर आरोप साबित होते हैं। अब ये तो डोमिनिका कोर्ट को फैसला करना है कि वो उसको भारत भेजता है या फिर वापस वहां पर। डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि चौकसी को भारत लाया जाएगा या उसे वापस एंटीगुआ भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी जानकारी के लिए। कोरोना संकट के बीच एक अच्छी और बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीएमआर ने कहा है कि टीके का उत्पादन बढ़ रहा है और जुलाई महीने के मध्य तक हर दिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। दूसरी अच्छी खबर यह है कि दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। देश में 600 ऐसे जिले हैं जहां पर संक्रमण दर 10% से कम है। ABP News आपको रखे आगे।